Hey everyone, welcome back to my vlog Life of Myth. And without wasting any time, this is very short video, so let's jump into the topic. So जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इनकम टैक्स का टाइम आ चुका है. सारे लोग इनकम टैक्स फाइल करने वाले हैं 2020 ईयर का, जो कि पैंडेमिक ईयर था. और उस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों ने घर से काम किया था, वर्क फ्रॉम होम, इफ़ द एम्प्लॉयर अलाउड यू टू वर्क फ्रॉम होम. सो जितने लोगों ने भी काम किया था, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है. इसमें क्या है कि अब जब आप टैक्स फाइल करने जाएंगे इस साल 2021 में 2020 का, तो आप एलिजिबल हैं अप टू $400 क्लेम करने के लिए. और वो कैसे होगा, अगर आपने 2020 के अंदर अगर आपने घर से काम किया कोविड की वजह से, या फिर आपने 50% घर से काम किया हो एटलीस्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स इन 2020, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको T2200S फॉर्म होता है या फिर T2200 फॉर्म है, वो अगर वो फिल करके देते हैं आपके एम्प्लॉयर, जिसमें कि सारी डिटेल्स मेंशन होगी, आपने कब से स्टार्ट किया, कितने घंटे काम किए, कितने आवर्स थे, सब कुछ, अगर आपने ओवर टाइम किया, सो दे गोना इंक्लूड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू मेंशन. सो ईदर ऑफ दीज क्राइटेरिया इफ़ यू लाई, यू आर एलिजिबल टू गेट अप टू $400. एंड कैसे काम करेगा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, सिंपली आप इनकम टैक्स फाइल करते समय क्लेम करते हो कि आपने 50% वर्क किया है वर्किंग फ्रॉम होम, सो यू आर एलिजिबल टू क्लेम फॉर द $2 ईच डे, एंड यू कैन एक्यूमुलेट, और यू कैन से यू कैन क्लेम फॉर ऑल टॉप मोस्ट 200 वर्किंग डेज, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर अप टू $400. और अगर जिनको एम्प्लॉयर अगर वो फॉर्म भर के दे दे T2200 वाला फॉर्म, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन है. वो एक अलग फॉर्म होता है जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा इफ़ यू गोइंग ऑन द सेकंड वे. कौन से दिन को आप वर्क को काउंट कर सकते हो, अगर आपने फुल टाइम वर्क किया या फिर आपने पार्ट टाइम वर्क किया, किस दिन को आप काउंट नहीं कर सकते, जिसमें आपका डेज ऑफ है, वेकेशन ऑफ है, सिक लीव है, या फिर कोई आपने अलग से लीव ली है. सो गेट रेडी टू फाइल योर टैक्स एंड कॉमेंट बिलो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन. Thank you so much for listening. Enjoy your day. For more details, check out the link below in the description. And also guys, if you haven't made your CRA account, please go and create your CRA account, which will help you a lot to understand your income tax and everything. Thank you. Bye-bye.